ठीक है, मुझे तो दिख रहा है बेटा ये, है यस ना? ओके, ऐसे ही डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। exe फाइल क्रिएट कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, टाइम ले रहा है। जब ये डाउनलोड होगा राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर, देखिए कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये। अभी नहीं आएगा, रुको, जब आएगा तो देखेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मीटिंग भी चल रही है और ये सब हो रहा है। समझ में आया कैसे करना है पूजिता, है यस ना मैम। इसको? हाँ मैम मेरे में ये ओपन ऑफिस में कोई लॉगिन नहीं मांग रहा था मैम। जब जार फाइल जैसे आपने भेजा था वैसे ही करा तो उसमें मांग रहा था लॉगिन। अच्छा, उसमें लॉगिन मांग रहा था। चलो एक बार जार फाइल देख लेते हैं, जीआरई फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। मतलब समझ में आ गया ना कैसे करना है हमको ओपन यस मैम। ऑफिस। जिसको नहीं आया वो एक बार लेना, जीआरई डाउनलोड, ये रन टाइम एनवायरनमेंट, ये देखो। मैम जार की जीआरई, जार, जीआरई बोलते हैं उसको, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जार फाइल ही होती है उसके अंदर। तुमने करके देखा क्या? मैं भूल गया था। ठीक है, इस तरीके से जार जीआरई डाउनलोड किया, अच्छा ये मांग रहा होगा। यस मैम। ओके, एक बार और देख लेते हैं। जार फाइल थोड़ा सा मुझको भी आया था प्रॉब्लम। ठीक है, जार मेरा डाउनलोड हो गया था, फिर मुझे समझ भी नहीं आया कि डाउनलोड कहाँ से किया था मैंने। जार फाइल डाउनलोड, ओके 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 ओके, ये नहीं था। मैम यूट्यूब पे देख के डाउनलोड कर लें। कर लेना बेटा, हो जाए ना जार फाइल तो मुझे भी बताना। मैम यूट्यूब पे यही सर्च मार देना, हाउ टू डाउनलोड जार फाइल विदाउट लॉगिंग इन इन ओरेकल अकाउंट। मैम पर सॉफ्ट रनिंग से कर सकती देखना है, दिखा रहा हो कोई वीडियो तो मुझे बता देना। ये ओपन हो गया जार फाइल, ठीक है, क्योंकि जार फाइल का वीडियो मैंने भी देखा था, मुझे समझ में नहीं आया ना उसको, उसने कुछ बताया। ठीक है, ओपन ऑफिस का तो इजी था, उसने बता दिया था कैसे करना है। ओके, सो डाउनलोड द जार फाइल्स, इस पर क्लिक करोगे तो जार फाइल्स आपकी ओपन हो जाएगी। एक बार करके देख लेना, नहीं आता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन कर दूंगी, या अपना अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से रीइंस्टॉल कर लेंगे। ओके पूछी था ये सौरभ, एक बार देख लेना बेटा उसमें, है ना, यूट्यूब में। पूछी था एक बार क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं होता है ना तो एक बार मैं मैम अपना अभी अनइंस्टॉल देख कर, रहा हूँ। अभी देख लो, बढ़िया, मुझे बता देना। जार फाइल डाउनलोड ही करके देना तो ज़्यादा समझ में, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं अपना अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूँ, री इंस्टॉल करूँ। ठीक है, तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाना कनेक्ट करके सिस्टम। ओके, सो ओपन ऑफिस में अभी अपन देखते हैं डेटाबेस क्रिएट करना, थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो पिछला पढ़ा था। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ये समझ में आ गया था सबको, कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो, या एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमने स्टूडेंट वन नाम का डेटाबेस बनाया था। फिनिश, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो हमसे नेम मांगता है। मैंने माय स्कूल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है भाई? ओपन हो रहा है, यहाँ तक किसी को डाउट? जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
MySQL.ODB करके हमारा एक ओपन ऑफिस बेस में एक डेटाबेस क्रिएट हो मैम चुका मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसमें पता नहीं कुछ दिखा रहा है कि एक आदमी ने कुछ टाइप किया उसमें JDE कुछ करके ऐसे लिंक टाइप कर दी, तो है। उससे अपने आप ही कोई वेबसाइट खुल गई, तो वहीं से उसने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो अपने आप ही डाउनलोड होने लग गया वो। अच्छा तो करके देखना फिर, एक शेयर कर देना, इस पे लिंक सेंड कर सकते हो चैट बॉक्स पे, तो लिंक सेंड कर देना मैम हाँ देखता हूँ, शायद डिस्क्रिप्शन में दी होगी। है ना, या ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं जहाँ WW लिखा रहता है ना। ओके सो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया MySQL.DB। टेबल क्रिएट करना सबको आता है भाई, क्रिएट अ टेबल डिजाइन व्यू। ये फील्ड, एक फील्ड नेम मैंने दे दी, टेस्ट एम्प्लॉय ID, PUD स्टूडेंट ID। ओके इसको मैंने प्राइमरी की। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं? तान्या नो मैम, ओके इंटीजर रुचिता, किसी को डाउट ये कैसे रन कर रहे हैं हम लोग? एक नो बार, हाँ एक बार हो जाएगा इंस्टॉल तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोन नंबर वैसे मिली इंटीजर, ओके सेव पे क्लिक किया, टेबल नेम हमने दे दिया STU स्टूडेंट, टेबल का नेम क्या दे दें, स्टूडेंट इक्वल VB। मैम वो लिंक कॉपी नहीं हो रही, मैम स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं क्या? एक मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुकना। हाँ मैं एक दो तीन कमांड्स और रन कर दूँ, फिर अपन रन करते हैं, ठीक है? ओके सो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, SSSV स्टूडेंट। क्वेरी से हम लोग कुछ रन करेंगे, क्रिएट अ क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज में हम लोग क्या करेंगे, कौन सी क्वेरीज करनी थी? एक बार इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं। इंसर्ट इनटू मींस टेबल के, अब जो हमने फील्ड टेबल बनाया है SSSV, उसके अंदर हमको क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। SSSV स्टूडेंट वैल्यूज, क्या क्या था, सपोज नेम, नेम तो ऑलरेडी था स्टूडेंट का नेम, जैसे सपोज मैंने लिखा ना राम, ठीक है देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। और क्या क्या था फील्ड, स्टूडेंट ID, नेम एंड फोन नंबर, ठीक है स्टूडेंट ID 101, स्टूडेंट नेम, नाम, स्टूडेंट का फोन नंबर, रन क्वेरी। अच्छा क्या इसमें इंसर्ट इनटू द गिवन कमांड इज नॉट अ सिलेक्टेड सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्वेरीज आर अलाउड। सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम टेबल नेम क्या था हमारा, SSSV स्टूडेंट SSSV स्टूडेंट रन। ओके अब इंसर्ट इनटू SSSV कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, कोई बता सकता है मुझको?
वैल्यूज, मैम आप इंसर्ट कर रही हो, क्या बोलते हाँ हैं, टेबल में, वैल्यू खाने को। गुड। देखते हैं सेट हो गया ये वाली, अच्छा सिंटैक्स एरर बता रहा है। इंसर्ट इनटू टू प्लेसेस वी वैल्यूज दिस एंड दिस, इसमें वैल्यू देख लेते हैं। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यू दिस 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 एंड दिस, इनटू ऑलन लगा दो तुम। एसक्यूएल सिंटेक्स क्यों दे रहे हैं ये वैल्यूज, कमांड तो सही है, फिर एरर क्यों दे रहा है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, मैम इंसर्ट और इनटू कैपिटल में है दोनों। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव नहीं है, वो सिलेक्ट भी तो स्मॉल में ले रहा ही है। टेबल का नेम सही दिया मैंने, ट्रिपल एस एस वी स्टूडेंट, ठीक है ट्रिपल एस एस वी स्टूडेंट वैल्यूज दिस एंड दिस, सिंटेक्स एरर इन एसक्यूएल कमांड्स। ओके आई गॉट इट आई होप। अब क्यों, वैल्यूज हम सही दे रहे हैं, स्टूडेंट नेम क्यों दे रहा है भाई, और कोई देख लेते हैं, वैसे नहीं है स्टूडेंट्स वैल्यूज दिस एंड दिस, वैल्यूज में भी स्पेस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स इनटू, चलो ठीक है ये वाला देखते भी बाद में देखते हैं इसको, ये तो अभी रन नहीं हो रहा। एक और देखते हैं, एक और था क्वेरी इसमें टेबल रिमूव करना हो तो ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करना हो ठीक है, तो पहले ड्रॉप टेबल, टेबल टेबल का नेम ट्रिपल एस वी वी स्टूडेंट, रन क्वेरी। अच्छा इसमें भी सेंटेक्स एरर बता रहा है, और इस चलो इसमें सेंटेक्स एरर होगा ठीक है, बाद में देखते हैं। हाँ सौरभ बताओ क्या बता रहे थे, एक मिनट। हाँ मैम, स्क्रीन शेयर करके वो दिखा देता हूँ, मतलब क्या है। हाँ मुझे दिखाना स्क्रीन शेयर करके, हम देख रहे हैं ना स्क्रीन। हाँ बेटा हाँ हाँ
ये लिंक को क्लिक कराए नीचे वाली को, तो ये रिडायरेक्ट खुल गया था उसका क्रोम पे। तो मैम उसने ये लास्ट वाली जो 75.92 MB वाली है, विंडोज इंटू 64 अच्छा वाली, ये ओके ओके ओके, कौन यही से उसने डायरेक्ट सी ऑफ है? 79 पॉइंट, 75.92 MB वाली फिर विंडोज इंटू 64। ओके हाँ तो हम बस उसने यहीं से इसको क्लिक कर दिया था, तो अपने आप ही इसका डाउनलोड चालू होने लग गया था। वीडियो भी दिखा दूँ फिर एक बार। हाँ दिखाओ दिखाओ वीडियो दिखाओ। मैम उसने वॉइस रिकॉर्ड नहीं करी है, तो ऐसे ही कोई बात नहीं, वीडियो चले तो समझ में आ जाएगा। नाम बस उतने थे। ठीक है बेटा, मतलब ये सिंपल वही था जो मैं तुम लोग को बता रही थी। इसी में जाके ना गूगल में google.com, ठीक, इसमें जाके JRE, आई थिंक वही ओपन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, लास्ट में जाके इसने यही सौरभ यही था ना विंडोज। क्या यही था ना ये वाली लिंक? मैम, 1 सेकंड, आपकी स्क्रीन लोड हो रही है अभी, मतलब। हाँ अच्छा है हाँ मैम, यही वाला था। ना, तो यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है? रुचिता समझ में आया बेटा? रुचिता यस मैम। है ना, एक बार इसको JRE वो लिख के एक बार जार फाइल डाउनलोड कर लेना। वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूं क्या अभी? है तो शेयर कर दो। गुड, मैम मतलब वीडियो की लिंक शेयर होगी, ये जो वैसे वाले लिंक है उसकी नहीं होगी। हाँ वीडियो की लिंक शेयर कर दो, लोग वीडियो अपने उसमें ओपन करके देख लेना है। ओके इसमें क्या करना है आप लोग, समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? भेज दी ओके मैम वो मतलब उस लिंक पर जाके वीडियो में, मतलब डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके इसमें सब लोग लिंक को कॉपी कर लो और अपने में पेस्ट कर लो, तो आप लोगों को इसको करना आ जाएगा। हाँ ना, क्लास के बाद चला जाएगा। ओके सो आप लोग क्या करोगे भाई, इसको डाउनलोड करो ओपन ऑफिस को, और एक सिंपल इसमें क्वेरीज इसको रन करके देखो, ठीक है? ये वाली ड्रॉप वाली क्वेरी नहीं हो रही, होप सो इसकी शायद अलग क्वेरी हो, MySQL में अलग चलती हो SQL की।
ठीक है, तो फिर अपन उसको नेक्स्ट क्लास में करके देख लेंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? पहले सबका होमवर्क ये है भाई, हाँ है ना, सबका होमवर्क ये है कि सब लोग सबसे पहले ओपन ऑफिस इंस्टॉल करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे अपने सिस्टम्स का फोटो खींच के भेजेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि लैपटॉप या कंप्यूटर साइड में ओपन करके रखें। ठीक है, ओपन ऑफिस इंस्टॉल करो, देन JRE फाइल इंस्टॉल करो, दोनों चीज़ें इंस्टॉल करो। ओके, और उसके बाद ये सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना सीखो, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। सौरभ कार्तिकेय नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए बेटा। कार्तिकेय कार्तिकेय है यस मैम, ना, नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए। सौरभ यस महक मैम, अपना सिस्टम सही कर लो बेटा, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें तो। यस मैम, ठीक है, हाँ बेटा, सिस्टम में इंस्टॉल तो चलाओगे किस में? यदि लैपटॉप सिस्टम से, तो फिर रन कैसे करके देखोगे, है ना? फोन में नहीं हो सकता फोन में देख लो करके, यदि फोन पे तुम्हारा ओपन ऑफिस मैम, खुला फोन है। में अगर अगर हाँ फोन में डाउनलोड करेंगे तो वो फिर तो वो लिंक मतलब लॉग इन मांगेगा, क्योंकि फोन में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट सब में लॉग इन मांगता है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते उस पर। हाँ, और जब हम ये फोन स्टार्ट भी करते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि Gmail ID हमको स्टार्टिंग में देनी रहती है। बताने, यदि Gmail ID फोन पे लॉगिन कर रहे हो, सपोज फोन पे एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी Gmail ID और पासवर्ड एक होगा, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। या मम्मी का भी फोन यूज करे या किसी का भी फोन यूज करे, उसमें एक Gmail ID होगी, है ना? उससे पहले हम, है ना, प्ले यस स्टोर हम चला नहीं पाते ना, तो वही Gmail ID और पासवर्ड उसको उस पर दे देना मांगेगा तो। ठीक है, तान्या समझ में यस मैम, है ना? पूजिता का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, JRE का पूजिता JRE कर लेना डाउनलोड, अभी बाकी सारे बच्चे करो। ठीक है, मितुषी, हाँ लो, गूगल प्ले से लॉगिन कर लेना। मितुषी 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 चली गई लगता है। सच्ची, ठीक यस है, सब लोग लॉग डाउनलोड करके देखना। शिवम समझ में आ रहा है बेटा हम क्या कर रहे हैं कि नहीं? शिवम वेरी गुड, ये भी नहीं है, इसका मैं अटेंडेंस हटाती हूँ। ओके, त्र्यंबकेश मैम, यस मैम, हाँ बेटा, समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं? थोड़ा हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आ रहा है, ठीक है। इसको करना क्या है अपन को कि ओके, इसमें करना क्या है, गूगल में जाके ओपन ऑफिस डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरीके से एक ओपन ऑफिस आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद अपन को क्या करना है, इस तरीके से ओपन ऑफिस डाउनलोड हो जाएगा। ट्राई करो कि इसको ओपन ऑफिस डाउनलोड हो जाए, और उसके बाद एक JRE फाइल भी डाउनलोड करना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, ओपन ऑफिस के जो भी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमें JRE फाइल का ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसको ओके डाउनलोड मैम, कर। वेदिका समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यस मैम, चलो, थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब करना कुछ नहीं है, होमवर्क यही है कि बस अभी जाओ अपने सिस्टम पे ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लो। यदि सपोज किसी का सिस्टम खराब है या लैपटॉप खराब है, या जो भी प्रॉब्लम है, मोबाइल सबके पास है, उसमें एक ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लो। एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए, दो चार क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इस रन करना आना ज़रूरी है। पता हो ना हम क्या कर रहे हैं? ये तो वैसे मैं थ्योरी पढ़ाती रहूँगी, आप लोगों को समझ में क्या आएगा क्या कर रहे हैं? ठीक है, इशाक समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा, यस मैम, है ना? करना कुछ नहीं है, आज होमवर्क यही है। तुम लोगों ने लास्ट क्लास पे भी मैंने बोला था कि आज सब बच्चों ने किया होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि ओपन ऑफिस डाउनलोड करो, यदि जिसको प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में तो वो लैपटॉप में डाउनलोड, सॉरी मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, उसमें ही आप लोग JRE फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा, ट्राई करो उसको एक बार। मोबाइल में डाउनलोड करने से पहले एक बार उसका यूट्यूब में वीडियो देख लेना कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है, एनी डाउट किसी को?
हाँ सौरभ होंगे बेटा, अभी नया आएगा आप लोगों का सिलेबस सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, तो बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा है, बल्कि जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही ध्यान से पढ़ लो। बस ओपन ऑफिस डाउनलोड करोगे तो प्रैक्टिकल कर पाओगे। ठीक है,